बीजापुर से आपको बता रहे हैं। दरअसल मुखबिरी के आरोप में ग्रामीण की हत्या किए जाने का मामला सामने आया है। ग्रामीणों ने नक्सलियों ने ग्रामीण की हत्या कर दी, जिसमें हत्या कर त्योनाग मार्ग पर शव को फेंक दिया गया है और साथ में पर्चे भी फेंके गए हैं। दोपहली निवासी माजी रामलू की हत्या कर दी गई है। माओवादियों के नेशनल पार्क एरिया कमेटी ने हत्या की जिम्मेदारी ली है। तो नक्सलियों द्वारा मुखबिरी के शक में एक ग्रामीण की हत्या कर दी गई है। बीजापुर से घटना बताई जा रही है और साथ में हत्या करने के बाद में उस ग्रामीण के शव को फेंक दिया गया और साथ में पर्चा भी फेंका गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हत्या कर तोयनाद नाक पर शव फेंका और साथ में पर्चे भी फेंके गए हैं नक्सलियों द्वारा। दरअसल मुखबिरी के शक के आधार पर इन नक्सलियों ने इस घटना को अंजाम दिया। और ज्यादा जानकारी के साथ प्रातःवार्ता पवन दुर्गम पुल लाइन से जुड़ गया है। पवन, क्या अपडेट मिल पा रहा है? जी, आपको बता दूं, जिला मुख्यालय से तकरीबन 15 किलोमीटर दूर तोयनार पड़ता है, जहां से फतेहगढ़ और मोरमेट की सड़क निकलती है। तोयनार और मोरमेट सड़क पर बीती रात नक्सलियों ने एक जो केपला निवासी है उसकी हत्या करके शव को दो सड़कों के बीच में फेंक दिया है और वहां जो पर्चे फेंके गए हैं उसमें पुलिस के लिए मुखबिरी करने का आरोप लगाकर उसको मारा गया है। ये नेशनल पार्क का पूरा इलाका है जहां इस पूरे वारदात को अंजाम दिया गया और नेशनल पार्क एरिया कमेटी ने इसकी जिम्मेदारी ली है। आपको बता दें, थाना जो है वहां पे तोयनार का, उससे तकरीबन 2 से 3 किलोमीटर की ये दूरी है। ऐसे में जो नक्सली का मनोबल है वो बढ़े हुए हैं, वो गांव में आते हैं और हत्या करके थाने से कुछ दूरी पर शव को फेंक कर चले जाते हैं। जी चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।